होती हैं, तो connect@computershiksha.org एक ईमेल है, ये आप लोगों के लिए है। आपको कुछ भी हो रहा है कि एक कंप्यूटर खराब हो रहा है, गर्म हो रहा है ज़्यादा, गर्म होके बंद हो जाता है, तो आप उसमें प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल लिखिए कि क्या हो रहा है, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले। ये कनेक्ट वाली मेल पे जब आप मेल डालेंगे तो हमारी जितनी टीम है सबके पास जाती है। तो आपको एक इंडिविजुअली, वो प्रदीप सर का हमारे पास नाम नहीं है, अच्छा मैं अपना नाम तो बताना ही भूल गया, मेरा नाम प्रदीप है, प्रदीप मारवाहा। तो और जो बाकी की टीम आप देखते हैं, मैं इनको बुलाऊंगा और मिलवाऊंगा। इनफैक्ट आप लोग एक बार आ जाएंगे प्लीज, भरत, प्रणव, धर्मेंद्र। तो ये हमारी टीम है जो ये वीडियोस तैयार कर रही है और आपकी ट्रेनिंग में साथ रहेगी। प्रणव इज हियर, भरत इज हियर, धर्मेंद्र एंड अर्जान, ओके। सो ये आपके साथ ट्रेनिंग में रहेंगे, आपको ट्रेनिंग के दौरान ये लोग ले जाएंगे। बट ये जो मेल जाती है connect@computershiksha.org, ये सबके पास जाती है। प्लीज सर, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सबकी कंबाइंड है या सबकी स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड है? सर जब कनेक्ट में, जैसे गर्म वाला कंप्यूटर कम गर्म हो रहा है और बंद हो रहा है, ये जब मेल आएगी ना, तो जो उस समय इसको हैंडल कर रहा है वो उसमें आपको रिस्पॉन्स देगा। यहाँ पे अभी जैसे आप दे रहे हैं, हाँ अभी अभी सर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड है। आप जो नेक्स्ट मॉड्यूल किसने लेना है, पहला मॉड्यूल मेरा है इंट्रोडक्शन का, वैसे नॉर्मल फील्ड में डिफाइंड है। और ये आपको बताएंगे सर, ये लोग बताएंगे। अंजाना, भरत, धर्मेंद्र एंड प्रणव। मेरा नाम प्रदीप, बैठो प्लीज, जस्ट आई विल टेक 5 मोर मिनट्स इज दैट ओके। तो मैं ये बहुत काफ़ी डिटेल्स इसमें हैं, तो इतने डिटेल में इसीलिए हमने आपको दिए। हमारे एक्सपीरियंस में क्या हुआ कि जो ट्रस्टी वगैरह हैं, जिनका स्कूल चल रहा है, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, उन तक तो ये पहुंच गया और उनके पास ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन उनको पता लगा कि जो एक्चुअली ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर्स आप बहुत संभाल के रखिए, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो एक कनेक्ट ईमेल आ गया, फिर एक टेलीफोन नंबर है जिसमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है, टेलीफोन नंबर है। तो ये एक कॉन्टैक्ट का जरिया हो गया आपका आगे चलने के लिए। फिर हमारे एक्सपीरियंस, ये जो सेकंड पॉइंट है, ये हमने एक्सपीरियंस ही सीखा है कि बच्चे क्या करते हैं। आप लोग तो अगर कंप्यूटर चलाते रहे हैं तो आपको ध्यान होगा, पता होगा कि बहुत सारे बच्चों की क्लास में अगर हो ना, तो शट डाउन करने को बोलो उनको, तो घंटी बज गई तो उनको खेलने जाना है, कुछ करना है, तो सीधे बटन दबा देते हैं पावर ऑफ का, तो उससे कंप्यूटर खराब हो जाता है, आपके प्रोग्राम सेव नहीं होते हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और हार्डवेयर में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी हार्डवेयर में प्रॉब्लम्स इसी के कारण आती हैं। तो एक प्रॉपर शट डाउन करना है, बच्चों को क्या बताना है वो आपको ट्रेनिंग में भी बताएंगे, बट ये पॉइंट उसके बारे में। फिर थर्ड पॉइंट है कि आप इधर उधर से कुछ पेन ड्राइव ले आए, कोई सॉन्ग्स देखने हैं, तो वो आप प्लीज़ नहीं करिए, क्योंकि करप्शन हो गई तो फिर उसको दोबारा से जिंदा करना कंप्यूटर को, एक इट्स लाइक प्रोड्यूसिंग अ न्यू बेबी, एक नया कंप्यूटर आप बना रहे हो, तो वो नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट है कनेक्ट के बारे में, ऑलरेडी आपसे बात हो गई। फिफ्थ पॉइंट में एक टाइम टेबल जब आप बनाएंगे, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास सपोजिंग 5 कंप्यूटर हैं अपने स्कूल में और उस टाइम पे 5 ही बच्चे बैठ रहे हैं, क्लास में पूरे 30 या 35 बच्चे हैं, अब 5 बच्चे बैठ रहे हैं, तो हमें अपने टाइम टेबल में ध्यान रखना है कि उन 30 का क्या होगा। वो 30 उस समय कोई SUPW का कोर्स होता है, कुछ हॉबी वाले कोर्सेज हैं, या उनको गेम्स पीरियड मिला है, तो 5 बच्चे उस दिन कंप्यूटर में बैठे हैं, बाकियों का क्या करना है, ये आपको टाइम टेबल में ध्यान रखना है। सिक्स्थ वाला पॉइंट जो है, ये है कि जो बेसिक कोर्स, जो हम ये बेसिक कौन सा कोर्स है और एडवांस कौन सा कोर्स है, ये आपको पता लगेगा डिटेल में, इसमें भी है अगले पेजेस में, बट इसमें हम ये जो शीट्स हैं ये हम लास्ट डे में दोबारा एक बार कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा,
आपको जब घर जाते हैं तो इसको प्लीज पढ़िए, थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा, क्वेश्चन होंगे आपके पास तो हम पूछ सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट जो है कनेक्ट के बारे में था कि आप बता सकते हैं, जब आपको बच्चों का टेस्ट लेना है तो एक टेस्ट तो आप वीडियो में ही है, 10 क्लासेस हो गई या 11 क्लासेस हो गई, उसके बाद एक टेस्ट वीडियो का, वो वीडियो में ही आ जाएगा। एक टेस्ट हम लोग आपके लेंगे कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसमें आपको हमको बताना पड़ेगा। जब आप 10th क्लास पे हो तो हमें थोड़ा सा टाइम पहले बताना पड़ेगा कि 10th हमारी हो गई क्लास, उसके बारे में लिखा है यहाँ पे कि वो 10th क्लास हो गई है, तो आप उसके बाद 11th क्लास कर रहे हैं, 12th क्लास कर रहे हैं, तब तक हम अपना टेस्ट पेपर रेडी कर लेंगे, कौन सा मॉड्यूल है, कितने बच्चे हैं, किस लेवल के हैं, उसका उसके बारे में आप बताएंगे। तो ये 8th, 9th और 10th पॉइंट ये ईसी के बारे में है, टेस्ट के बारे में है। और अगर आपका मैनुअल खो जाता है 11th पॉइंट पे, तो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट से आप मैनुअल देख सकते हैं, अगर आपको बाई चांस फोटो कॉपी नहीं है या वो नहीं है। अच्छा, फिर ये जो 12th पॉइंट है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये आपको ज़्यादा पता लग जाएगा इसके बारे में, क्योंकि जो आपके ट्रेनिंग जो स्कूल चला रहे हैं या जो एनजीओ चला रहे हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होगा कि बच्चों को, बच्चे तो हैं मेरे पास लेट से 126 अगर बच्चे हैं मेरे पास, सपोजिंग मेरे पास एक, मैंने 126 बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देनी है, तो मेरे पास कंप्यूटर है लेट से 7 कंप्यूटर है, मैं यहाँ एग्जांपल से पढ़ रहा हूँ, 12th बार 7 कंप्यूटर है मेरे पास, तो एक बार में मैं ये चाहता हूँ कि एक कंप्यूटर पे एक ही बच्चा बैठे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कंप्यूटर शिक्षा में, जितना इम्पोर्टेंट पेन है या कॉपी है उसके हाथ में बच्चे के, तो उसका अपना होता है ना, ये मेरा है राइट, तो उसको यूजेज की फ्रीडम है कि मैं अच्छे से इसमें सीख सकता हूँ, कर सकता हूँ सब कुछ, जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं कर सकता हूँ। कंप्यूटर ऑफकोर्स उसको क्लास में ही दिया जाएगा, पर हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि एक कंप्यूटर पे दो बच्चे बैठ के सीख रहे, तो इंडिविजुअल कंप्यूटर पे एक बच्चे को बिठाएंगे। अब 126 बच्चे हैंडल करने हैं, 7 ही कंप्यूटर हैं, एक बार में मैं 7 ही बच्चों को बिठाऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बच्चों को बिठाऊंगा, ठीक है। आज मैंने मंडे को इनकी क्लास ली, ट्यूजडे को यही वापस आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये 7 बच्चे हो गए। और इस तरह से सपोजिंग मैंने 6 घंटे का मेरा स्कूल चलता है, तो 1 घंटे मैंने पढ़ा दिया, 1 घंटे रविंदर ना और आपका सॉरी करमजीत, तो 1 घंटा रविंदर ने पढ़ा लिया, 1 घंटा करमजीत ने पढ़ा लिया, 7 और बच्चे कवर हो गए, 2 घंटे में 7 और 7, 14 बच्चे कवर हो गए। इसी तरह से 6 घंटे अगर आपने आपने निकाल लिए तो 6 × 7, 42 बच्चे मैंने मंडे में पढ़ा लिए, यही 42 बच्चे में ट्यूसडे में वापस लाऊंगा अपनी क्लास में ताकि उनको प्रैक्टिस करा सकें, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 42 बच्चे ये हो गए, मंडे ट्यूसडे इनको पढ़ा लिया हमने, वेडनेसडे थर्सडे एक और 42 का बैच आ गया, फ्राइडे सैटरडे एक और बैच आ गया 42 का, तो 42 + 42 + 42 126 बच्चे मैंने कवर कर, ये एग्जाम्पल आपको दिखाया गया यहाँ पे, तो ये ऐसे ही हमें करना है, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि एक दिन एक बच्चा नहीं आया। हमारा जो अटेंडेंस सिस्टम है वो भी इसी पे आधारित है कि एक बच्चे ने अगर क्लास मिस करी है तो नेक्स्ट डे वो क्लास उसको या तो रिपीट करवाएंगे या उसको बोलेंगे कि जब नेक्स्ट बैच आएगा उसके साथ, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये हम इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ, टाइम टेबल और कैसे इन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चों को कवर करना है, ये हम कवर करेंगे। ये सर प्रैक्टिस सेशन जो आप बता रहे हैं, प्रिंसिपल डेफिनेशन है पहले वाले का या ये सब के पहले से कुछ? सर ये वीडियो में ही लेसन हैं। अच्छा, और उसमें क्या है कि जैसे हमने वीडियो लेसन तो सारे वीडियो के तो रिवीजन और रिवीजन कर रहे हैं, जैसे कहीं की चीज है या अलग है सर? फर्स्ट डे मैंने सपोजिंग पेंट में कुछ सिखाया कि यहाँ से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, नेक्स्ट डे मैं उनको बोलूंगा कि आपने कल क्या सीखा था, वो वीडियो में ही बोल रहे हैं आपने क्या सीखा था, तो बच्चे कुछ इंटरेक्ट करेंगे और फिर वो दोबारा वीडियो चलाएंगे तो बोलेगा हाँ तो आपने कल ये लाइन ड्रॉ करना सीखा था, तो क्या आप लाइन बना सकते हैं, तो फिर वो लाइन बनवाएगा उनसे, तो वो प्रैक्टिस सेशन वीडियोस में ही, आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट जो 13 नंबर पे है कि डेज आप कौन से कोर्सेज कराएंगे, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है,
हम किसी के पैसे पे काम कर रहे हैं, ठीक है, डोनेशंस हमें जगह जगह से लोग दे रहे हैं, कंप्यूटर हमें जगह जगह से लोग दे रहे हैं, तो हम एक एक पैसे का हिसाब किताब रखते हैं, ठीक है, तो हमें बताना पड़ता है उनको कि हम क्लासेस कितनी ले रहे हैं, कितने बच्चों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और तो टाइमिंग्स क्या हैं उस क्लास के, कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए हैं उस क्लास में, और एग्जैक्ट एड्रेस कहाँ पे है, क्योंकि हमारे को अगर किसी और को दिखाना है, आप लोग ऐसे आए हैं, हमने आपके जैसे प्रशांत सर हैं जो इन लोगों के प्योर इंडिया ट्रस्ट करके नाम है, तो उनको बुलाया कि आप आके देखिए, तो वो किसी भी स्कूल में जा सकते हैं जो चल रहा है, ठीक है, तो हम ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपकी टाइमिंग्स क्या है, तो ये चीज़ें हमें चाहिए। फिर लास्ट में ये मॉड्यूल्स क्या पढ़ा रहे हैं हम, तो उसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे ये फर्स्ट मॉड्यूल है जो बेसिक कोर्स जो है, इसमें ओपन ऑफिस का पेंट वन, राइटर, राइटर टू, इम्प्रेस, वर्कशीट, एक्सेल वगैरह सब कुछ आएगा, ठीक है, ये 8th क्लास तक के बच्चों का है, जो बेसिक कोर्स है 8th क्लास तक के बच्चों का है, और जो आगे लास्ट पेज है ये 8th से ऊपर वाले बच्चों का, ठीक है, तो इसमें थोड़ा डिटेलिंग ज़्यादा होती है, और ये कैसे चलता है ये आप जब कोर्स के थ्रू जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आई विल टेक अ ब्रेक हियर, मेरा किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बारे में, थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा सवाल हो तो, क्योंकि अभी हम ये पूरा डिटेल में नहीं कवर कर रहे हैं, जस्ट एन इंट्रोडक्शन, एक है क्या, भला क्या है, कंप्यूटर करता क्या है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग आपके साथ ही चल सकते हैं, आप जो मेरे को 50 स्कूल्स कर रहे हैं, जो मेरे को 10 लाख बच्चों, 1 मिलियन बच्चों का टारगेट है 2020 तक रीच करना है, और फिर वर्ल्ड में सबको सिखाते हैं जो मेरा विजन है, तो वो आप लोगों के साथ ही हम कर सकते हैं, हम अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड यू हैव अ वेरी गुड डे। यस सर, जब आप कहते हैं कि भाई ऑनलाइन सब चीज़ अवेलेबल है और आपने